Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing the process of changing the object clause in a company. Stay tuned for a step-by-step guide to ensure a smooth transition. Let's get started. First of all, what is object clause? Object clause company ke memorandum of association ka third point hota hai. जो ये बताता है कि कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन क्या काम करेगी. सो ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइंस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी दैट द कंपनी इज गोइंग टू परस्यू आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इसके साथ ही वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी मेंशन किए जाते हैं जो जरूरी होंगे उन मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए. दैट इज द ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प इन कंडक्टिंग द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज के मींस जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बाहर कोई काम नहीं कर सकती है. अगर कोई भी काम करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाता है. तो अगर इन केस ऐसा होता है कि कंपनी जो अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज मेंशन करवाया था, अगर कंपनी वो काम नहीं करना चाहती है या उस काम के साथ कोई और भी काम करना चाहती है तो कंपनी वो काम तब तक नहीं कर सकती जब तक उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर ना किया जाए. तो ऐसे में कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना होगा, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो ऑब्जेक्ट्स मेंशन करवाने होंगे जो अब कंपनी करना चाहती है. और इन ऑब्जेक्ट क्लॉज को कैसे अल्टर किया जाता है, कैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर किया जाता है, दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो you can find the link of the detailed video on the memorandum of association in the description box. Now let's start with the procedure. सबसे पहले कंपनी को पास करना होगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के लिए कंपनी को 7 days का नोटिस इशू करना होगा टू ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और नोटिस इशू करने के 7 days के बाद कंपनी एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी. नोटिस किस लिए है, नोटिस है बोर्ड मीटिंग का कि एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होने वाली है. तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, उसमें जो प्रपोजल है ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने का वो पास किया जाएगा. और फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी टू गेट दी शेयर होल्डर्स अप्रूवल. ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उस बोर्ड मीटिंग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस ड्राफ्ट किया जाएगा और एक फिक्स डेट टाइम एंड वेन्यू डिसाइड होगा कि कब ईजीएम को कंडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज जो नोटिस हमने ड्राफ्ट किया था वो सभी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को और ऑडिटर्स को भेजा जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद ईजीएम कंडक्ट की जाएगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा. दैट मींस कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है एंड दैट टू बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स कम से कम 75% जो वोट्स हैं शेयर होल्डर्स के वो फेवर में होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी वोट्स जो अगेंस्ट में है. टू नो मोर अबाउट दी स्पेशल रेजोल्यूशन यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जिस दिन हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके विद इन 30 days हमको ROC पे MGT 14 फॉर्म फाइल करना है. अलॉन्ग विद MGT 14 एक लिंक्ड फॉर्म खुलता है, दैट इज INC 33, जो कि होगा हमारा EMOA, वो भी फाइल किया जाएगा. उस MOA में हम ऑल्टर्ड MOA फिल करेंगे, मीन्स जो भी हमको ऑब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, जिस तरह से भी जो भी हमारा नया मेमोरेंडम होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको मेमोरेंडम में डिटेल्स फिल करनी होंगी. नाउ व्हाट आर दी अटैचमेंट्स ऑफ MGT 14. सबसे पहले EGM नोटिस अलॉन्ग विद दी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी हमने रेजोल्यूशन पास किया है. नेक्स्ट इज ऑल्टर्ड MOA, मीन्स जो भी आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के बाद MOA बनता है वो. शॉर्टर नोटिस कंसेंट, अगर आपने 21 days का नोटिस पीरियड इशू नहीं किया है, उससे कम का नोटिस पीरियड इशू किया है फॉर कॉलिंग EGM, तो उसमें शॉर्टर नोटिस कंसेंट लगाई जाती है. मीन्स शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए होती है, उनका कंसेंट चाहिए होता है, एटलीस्ट 95% ऑफ द शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए होता है, तो वो लगेगा. उसके साथ ही बोर्ड रेजोल्यूशन और फर्स्ट सब्सक्राइबर शीट अटैच की जाती है इन लिंक्ड फॉर्म MOA. फर्स्ट सब्सक्राइबर शीट वो शीट होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ड्राफ्ट हुआ था
उसका जो लास्ट पेज होता है जिसमें ये मेंशन करते हैं कि कौन से सब्सक्राइबर्स हैं या किन्होंने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये प्रॉमिस किया है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे, तो वो लिस्ट भी लगाई जाती है। ये सब कुछ लगाने के बाद हम MGT 14 फॉर्म को फाइल करते हैं, और जब हमारे पास अप्रूवल आ जाता है ROC से कि ये फॉर्म अप्रूव हो गया है, उसके बाद हमारे कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। मीन्स ये माना जाता है कि हमने कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स को ऑल्टर कर दिया है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़।